हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव एंड वेलकम टू एमईटी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्लेम डिटेक्टर का टेस्टिंग देखेंगे जो एसआर पैनल में लगा हुआ है और एक कन्वेंशनल डिवाइस है। तो कन्वेंशनल डिवाइस को एसआर के एड्रेसेबल पैनल के साथ अटैच करके इसको प्रोग्रामिंग किया गया है, ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं सिर्फ फ्लेम डिटेक्टर का टेस्टिंग। तो इस सिंपल सा वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस फ्लेम डिटेक्टर पे एक अलग से 24 वोल्ट का सप्लाई देना पड़ता है जो हम एक SMPS से देते हैं। और फ्रेंड्स, पहले ही हमने जैसे बताया था कि ये फ्लेम डिटेक्टर जो है ये कन्वेंशनल सिस्टम है। तो कन्वेंशनल सिस्टम को एड्रेसेबल सिस्टम, जो SR का एड्रेसेबल सिस्टम, उसके साथ अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो पहले आपको मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। तो SR में हम जो मॉड्यूल यूज़ करते हैं टैल कहते हैं। जो ट्रांसपोंडर हम यूज़ करते हैं SR में, उसको हम क्या कहते हैं कि टैल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक टैल को यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए SR पैनल के साथ ये फ्लेम डिटेक्टर को। तो टैल के साथ कनेक्शन होने के बाद फ्लेम डिटेक्टर का जो एड्रेस और लोकेशन होता है वो टैल ही रिप्रेजेंट करता है। किसी भी कंडीशन में अगर फायर होता है तो फ्लेम डिटेक्टर का जो लोकेशन है, मतलब जो फायर का जो लोकेशन है, वो टैल ही रिप्रेजेंट करेगा। मतलब उस टैल का ही जो लोकेशन होता है, उस लोकेशन पर ही आप देखेंगे कि वहाँ पर ही फायर हुआ है, ठीक है। अभी ये टैल जो है, टैल के साथ जो कनेक्शन होने वाला है, वो टैल के साथ आप किसी भी नियर बाई डिटेक्टर डिवाइस जो SLC में कनेक्टेड है उसके साथ आप कनेक्शन कर सकते या फिर पैनल पे कनेक्शन कर सकते हैं। मतलब आपके SLC, मतलब और कोई जो एड्रेसेबल डिवाइस है उस पैनल का, उसके साथ ही आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। लाइक कोई डिटेक्टर हो सकता है या फिर पैनल हो सकता है। तो हम यहाँ पर पैनल से दिखाते हैं। सो यहाँ पर हम टैल का कनेक्शन हम डायरेक्टली पैनल से करते हैं, लेकिन जो टेस्टिंग दिखाया जाएगा वहाँ पर टैल का कनेक्शन जो है वो डायरेक्टली कोई डिटेक्टर से, नियर बाई डिटेक्टर से किया गया है, ठीक है। अब हम टेस्टिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा कनेक्शन भी देख लेंगे। तो सबसे पहले आप एक बार फ्लेम डिटेक्टर को देख लीजिए, उतने दूर, बहुत दूर ये फ्लेम डिटेक्टर है। फ्लेम डिटेक्टर उतने दूर पे रखा हुआ है और एकदम नॉर्मल कंडीशन पे है। अब हम टेस्टिंग करेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि ये टेस्टिंग कर लिया, उसके साथ साथ इस फ्लेम डिटेक्टर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लिंकिंग हो रहा है, और जो टैल है, टैल के पास भी आप देख सकते हैं कि एक ब्लिंकिंग हो रहा है। और एक बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों तरफ दो टैल डिटेक्टर लगाए थे तो दो डिटेक्टर एक साथ रिस्पॉन्स कर दिया। आपको मैं बाद में दिखाता हूँ, वो पावर सप्लाई है। और यहाँ पर देखिए, इतने दूर और भी एक डिटेक्टर है, फ्लेम डिटेक्टर है जो रिस्पॉन्स कर लिया है, ठीक है। तो इसका जो कनेक्शन है, इसको डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम जैसे हमने आपको दिखाया था, ये देखिए, ये भी फायर ले चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लेम डिटेक्टर बहुत ही सेंसिटिव होता है, वो एक छोटा सा स्पार्क को भी डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब बताएं टैल मॉड्यूल की। तो टैल मॉड्यूल के कनेक्शन के ऊपर हमने एक डिटेल्स वीडियो पहले ही बना दिया है। तो हमने इस वीडियो में हम टैल मॉड्यूल के कनेक्शन के बारे में नहीं बता रहे हैं। हम टैल मॉड्यूल के जो कनेक्शन हमने किया था उसका एक लिंक आपको दे रहे हैं, उस लिंक के जरिए आप टैल मॉड्यूल के कनेक्शन को देख सकते हैं। अब आते हैं इस डिटेक्टर पे। तो इस फ्लेम डिटेक्टर का कनेक्शन बहुत इजी है। इस फ्लेम डिटेक्टर के अंदर चार टर्मिनल है, एक होता है पॉजिटिव, नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल है, ये हमारे जो SMPS है, उस SMPS के जो पॉजिटिव वायर है वो पॉजिटिव पे आके लगेगा, जो नेगेटिव वायर है वो नेगेटिव पे आके लगेगा, ठीक है। उसके बाद आता है कॉमन और NC पॉइंट, ठीक है, कॉमन एंड NC पॉइंट। तो ये कॉमन पॉइंट जो है वो टैल मॉड्यूल का जो कॉमन पॉइंट है, वो कॉमन पॉइंट इधर आके इसके कॉमन पॉइंट में लग जाएगा। और जो NC है, वो NC वाला जो 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 टैल मॉड्यूल के अंदर जो NC है, वो आके सीधे इधर पे लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद और एक है जो जो हमारे जो टैल मॉड्यूल है, टैल मॉड्यूल में हम टैल मॉड्यूल के साथ वहाँ पर आपको एक 10K रजिस्टर भी लगाना पड़ता है, ठीक है। और हमेशा इस डिटेक्टर के अंदर, मतलब फ्लेम डिटेक्टर में भी शील्डिंग की ज़रूरत होता है। SR पैनल पे हर एक डिटेक्टर पे हमारे शील्डिंग की ज़रूरत पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।